डेडिकेटेड कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी करके ऐसे चापलूस लोगों को, धोखेबाज लोगों को आज उनको तवज्जो दी जा रही है कि श्याम सिंह राणा जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की 2019 के अंदर, और फिर वो पार्टी छोड़ करके भाग गया। पार्टी छोड़ने के बाद गादरी से कंवरपाल, उसने किसी आदमी को यहाँ से आज तक परपने नहीं दिया, किसी की लीडरशिप जो है परपने नहीं दी। अकेला अपने आप जो है ना वो चाहता था कि मैं एक छत्र राज पूरे जिला यमुनानगर में करूं। आज अच्छे अच्छे लोग जो है ना उनसे रुष्ट होकर के या तो घरों में बैठे हैं या उनके साथ मिलकर के उन्हीं की गोभी खोदने में लगे हुए हैं। अब इसे गुस्सा कह लीजिए या हताशा, मगर जो है वो है। कभी बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता और नेताओं में शुमार कर्णदेव काम्बोज विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी से एंटी चल रहे हैं, और जब उन्हें बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भड़ास निकालने का मौका मिलता है तो वो देर नहीं लगाते। आज तो कर्णदेव काम्बोज का ऐसा ऐसा गुस्सा फूटा कि उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी में सिर्फ चापलूसों को तवज्जो मिलती है। डेडिकेटेड कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी करके ऐसे चापलूस लोगों को, धोखेबाज लोगों को आज उनको तवज्जो दी जा रही है कि श्याम सिंह राणा जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की 2019 के अंदर, और फिर वो पार्टी छोड़ करके भाग गया। पार्टी छोड़ने के बाद गादरी से कंवरपाल, उसने किसी आदमी को यहाँ से आज तक परपने नहीं दिया, किसी की लीडरशिप जो है ना परपने नहीं दी। अकेला अपने आप जो है ना वो चाहता था कि मैं एक छत्र राज पूरे जिला यमुनानगर में करूं। आज अच्छे अच्छे लोग जो है ना उनसे रुष्ट होकर के या तो घरों में बैठे हैं या उनके साथ मिलकर के उन्हीं की गोभी खोदने में लगे हुए हैं। मनोहर सरकार में राज्य मंत्री रहे कर्णदेव काम्बोज इन दिनों भाजपा के खिलाफ न सिर्फ विरोधी सुर अख्तियार कर रहे हैं बल्कि बीजेपी को लेकर खुलासे भी कर रहे हैं। कर्णदेव काम्बोज इन दिनों कांग्रेस के लिए जगाधरी से लेकर लाड़वा तक, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र दो जिलों में जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। कर्णदेव काम्बोज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत पूरी भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सिर्फ चापलूसों को तवज्जो दी जाती है। जो अच्छे और कर्मठ नेता हैं, वो या तो रूठ कर घर बैठ गए हैं या फिर पार्टी की ही गोभी खोद रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी करके ऐसे चापलूस लोगों को, धोखेबाज लोगों को आज उनको तवज्जो दी जा रही है, तो उससे आम कार्यकर्ता आज बड़ा नाराज निराश है और उसके अंदर एक मायूसी है कि अगर ऐसे धोखेबाज लोगों को, चाहे रणदौर में श्याम सिंह राणा को टिकट देख लो कि श्याम सिंह राणा जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की 2019 के अंदर, और फिर वो पार्टी छोड़ करके भाग गया। पार्टी छोड़ने के बाद 4.5 साल हमें गालियां देता रहा, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ आया उसमें प्रधानमंत्री को भी उसने नहीं बख्शा। पार्टी के लिए जो उसने कहा, चाहे हमारे सांसद थे उनके खिलाफ भी उन्होंने जिस प्रकार से अमर्यादित शब्द जो है ना यूज किए, भाषा यूज की, तो आप सबके सामने, और उसके बाद जब 8200 वोट वहाँ से मिली, उसका सुपड़ा साफ हो गया, तब वो जा करके कहीं ना कहीं सेटिंग करके और रणदौर में फिर उसको जो है ना पार्टी ज्वाइन कराई गई। कर्णदेव काम्बोज ने अपने पुरानी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि श्याम सिंह राणा को भाजपा ने रादौर से टिकट दिया, उसने 2019 में टिकट न मिलने से पार्टी छोड़ दी थी और 4.5 साल तक पार्टी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। कर्णदेव काम्बोज यही नहीं रुके, उन्होंने कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर से विधायक घनश्याम अरोड़ा और पूर्व मेयर मदन चौहान पर तीखे वार किए। वो 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी शहर में मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन आज मजबूर दिखाई दे रही है। आज उनको जो है ना काम करने के लिए कार्यकर्ता टोए नहीं मिल रहे हैं। आज अच्छे अच्छे लोग जो है ना उनसे रुष्ट होकर के या तो घरों में बैठे हैं या उनके साथ मिलकर के उन्हीं की गोभी खोदने में लगे हुए हैं, यानी कि किसी का भी उन्होंने काम नहीं किया। हर कार्यकर्ता परेशान रहा, चंद लोगों के हाथ में जो है ना प्रशासन रहा, चंद लोग जो है ना सरकार में हावी रहे, और अच्छे लोगों की उन्होंने जो बेकदरी करी है, चाहे वो SC समाज है चाहे BC समाज है, सबको किनारे लगाने का काम किया, उसी की वजह से आज जो है ना अच्छे अच्छे लोग आज पार्टी को अलविदा कह करके और आज कांग्रेस पार्टी के साथ चंद लोग कौन से हैं जिनकी, चाहे वो मंत्री है चाहे विधायक है, जगाधरी से कंवरपाल, उसने किसी आदमी को यहाँ से आज तक परपने नहीं दिया, किसी की लीडरशिप जो है ना परपने नहीं दी। अकेला अपने आप जो है ना वो चाहता था कि मैं एक छत्र राज पूरे जिला यमुनानगर में करूं, आज उसकी भी। कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि कंवरपाल गुर्जर ने कभी यमुनानगर जिले से कोई नेता पनपने ही नहीं दिया। आज कंवरपाल गुर्जर की हालत इतनी पतली है कि वो जगाधरी में चुनाव हार रहे हैं।
यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी।